दिल्ली के सीएम केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसी बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया है कि वो मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वो जेल में आलू पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कस्टडी में सीएम अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन रोक दी गई है। केजरीवाल 30 साल से शुगर के पेशेंट हैं। केजरीवाल 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते हैं। कस्टडी में जेल प्रशासन सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं लेने दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 तक पहुँचा। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप यानी कि जनता हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। मैंने सोचा चुनाव का समय है, मैं आपसे थोड़ी सी सीधी बात कर लूं। ये आम चुनाव नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जिसमें आप जैसे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा आपके अंदर है, आपकी रगों में है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक बेहतरीन मैनिफेस्टो है। एक और पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बहार है, वहीं दिल्ली में एक अन्य चुनाव भी सुर्खियां बटोर रहा है। दिल्ली में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मेयर चुनाव हर साल होता है। इस साल आपसे रिजर्व कैटेगरी में देवनगर वार्ड के पार्षद महेश खिच्ची मेयर उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि उप महापौर के लिए पार्टी ने रविंद्र भारद्वाज उम्मीदवार होंगे, जो अमन विहार किराड़ी से पार्षद है। बच्चों को प्रोसेस फूड बनाने के मामले में दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी में से एक नेस्ले पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। भारत सरकार की जांच के घेरे में नेस्ले कंपनी आ चुकी है। बताया जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड का मामला सामने आने के बाद नेस्ले प्रोडक्ट्स पर फसाई की नजर है। कहा जा रहा है कि अगर गड़बड़ी मिली तो कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने भारत में बेचे जाने वाले शिशु के दूध में कथित तौर पर चीनी मिलाए जाने की रिपोर्ट की जाँच करने को कहा है। दरअसल स्विस जाँच संगठन पब्लिक आई की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नेस्ले कंपनी भारत में बेचे जा रहे बेबी फूड में शुगर का इस्तेमाल कर रही है। छोटे बच्चों को खाने में चीनी देना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार के निशाने पर अब ये कंपनी आ गई है। इसी तरह देश दुनिया के तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।